आदिल आ गया, मेरे मेरा आदिल मेरी जिंदगी में फिर से आ गया, सबको छोड़ छाड़ के। 36 आएगी, 36 जाएगी। राखी बीवी है, बीवी का पावर सबसे ज्यादा होता है। सुबह का बुला, शाम को घर वापस आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते। मैं बहुत खुश हूँ कि अब आदिल और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है और अभी कुछ भी कोई भी गड़बड़ नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आखिर राखी सावंत के फैमिली ड्रामा की हो गई हैप्पी एंडिंग। आदिल और राखी का रिश्ता अब एक बार फिर से ठीक हो गया है और ये गुड न्यूज खुद राखी ने दुनिया वालों को सुनाई है। अपनी माँ के प्रेयर मीट के दौरान राखी ने अपने फैंस को चहकते हुए ये खुशखबरी दी है। तो मैं सबको यही खुशखबरी देना चाह रही हूँ, देश की जनता को, कि मेरा आदिल मेरे पास वापस आ गया है। मेरी शादीशुदा जिंदगी अभी बहुत अच्छी होने वाली है। राखी ने इस दौरान बताया कि उनकी जिंदगी में आदिल एक बार फिर से वापस आ गए हैं, दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। इसके आगे राखी ये भी कहती हैं कि अब आदिल के बारे में कोई भी नेगेटिव बातें मीडिया में मैं नहीं चाहती हूँ। कि अब मेरे आदिल के बीच में सब कुछ ठीक है। सुबह का बुला, शाम को घर वापस आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते। आदिल को मेरे बॉयफ्रेंड नहीं थे, वो मेरे हस्बैंड है और मुझे लगता है कि अब आदिल के बारे में कोई भी नेगेटिव चीज़ मीडिया में मैं नहीं चाहती हूँ। हम दोनों मिलके बहुत सारा काम करने वाले हैं। मेरे लिए ज़िंदगी की खुशी यही है कि आज मेरी माँ की श्रद्धांजलि है। सब आने वाले हैं, सारे एक्टर स्टार सब लोग, अठावले साहब मंत्री सब लोग आने वाले हैं और आदिल भी आने वाले हैं अभी। और मैं बहुत खुश हूँ कि अब आदिल और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है और अभी कुछ भी कोई भी गड़बड़ नहीं होगा, नहीं होगा। वहीं इस दौरान जब मीडिया ने राखी से ये पूछा कि आदिल की गर्लफ्रेंड का जो मामला था उसका क्या हुआ, इस पर राखी ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी लड़की को कोई पब्लिसिटी देना चाहिए। वो लड़कियाँ आती ही है पब्लिसिटी पाने के लिए उनकी जिंदगी में, आप समझ रहे हो। तो वो चाहती है कि वो लोग 8-8 साल से वो भी स्ट्रगल कर रही है, तो वो चाहती है कि मैं एक पोस्ट करूं, एक वीडियो डालूं ताकि वो पूरे हाईलाइट हो जाए। मैं ये सब नहीं करूंगी, मैं मेरे आदिल को बदनाम नहीं करूंगी। आदिल मेरा हस्बैंड है, मेरा है और वो मेरा ही रहेगा, वो कभी किसी के पास नहीं जाएगा। जैसा कि राखी ने बीते दिनों खुलासा किया था कि उन्होंने आदिल संग 8 महीने पहले चोरी छिपे अपना धर्म और नाम बदल कर उनसे निकाह कर लिया है, तब से ही लगातार राखी की शादीशुदा जिंदगी में उथल पुथल चल रही है। राखी के मुताबिक जब वो बिग बॉस मराठी में गई थी तो उस दौरान आदिल का किसी और लड़की से अफेयर शुरू हो गया। उस लड़की की वजह से आदिल ने पहले तो राखी संग अपनी शादी को भी नकार दिया था, जिसके बाद राखी ने अपनी शादी का राज मीडिया के सामने खोला और अपनी शादी की कई पिक्चर्स भी शेयर की थी। काफी दिनों तक आदिल को मनाने के बाद बीते दिनों आदिल ने पोस्ट शेयर कर राखी संग अपना निकाह की बात को कबूल किया था। वहीं मीडिया के सामने आकर भी आदिल ने राखी को अपनी पत्नी बताया, लेकिन बीच में एक बार फिर दोनों की शादी टूटने के कगार पर आ गई थी। इस बीच राखी की मां का भी निधन हो गया। जिंदगी में एक के बाद एक आ रहे तूफान से राखी काफी परेशान थी। बीते दिनों भी राखी ने मीडिया के सामने रो रो कर अपनी शादी का दुखड़ा बयान किया था। मुझे भी फ्रिज में नहीं जाना है, शर्म आनी चाहिए। एक औरत औरत का घर तोड़ रही है, मैं किसी की सीढ़ी नहीं बनना चाहती हूँ। तुम मुझे सीढ़ी मत बनाओ। जब मैं पर के पल के झुका के बर्दाश्त करना चाहती हूँ तो आप उठा के अपने स्वाभिमान के लिए, अपने मैरिज के लिए लड़ना भी जानती हूँ। लेकिन अब राखी ने अपने हालिया इंटरव्यू में ये क्लियर कर दिया है कि उनकी और आदिल के बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका है। इसके साथ ही राखी ने कहा कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अब मेरे आदिल के बीच में सब कुछ ठीक है। सुबह का भूला, शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आदिल को मेरे बॉयफ्रेंड नहीं थे, वो मेरे हस्बैंड है। ये कहते हुए आदिल की सारी गलतियों को माफ भी कर दिया है। राखी ने मीडिया के सामने बातचीत के दौरान ये भी कहा कि एक औरत के सिर पर पति का साया बहुत जरूरी है और एक हस्बैंड के पास एक औरत का साया बहुत जरूरी है। नोकझोंक होती रहती है। देखिए, मैं मेरी माँ को इंतकाल होके मेरी माँ का दफना के 3-4 दिन नहीं हुआ था, फिर भी मैं बाहर आई थी। जो मेरे साथ कुछ गलत हुआ था, चाहती तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं करती, लेकिन मुझे मेरा हस्बैंड मुझे वापस नहीं मिलता, लेकिन आज मैं मीडिया के सामने आई, उस दिन मैं मीडिया के सामने आई थी। अभी सब ठीक हो गया है,
और आई फील कि अभी आदिल भी वापस आ गए हैं, इसलिए राखी चाहती है कि उनके सिर पर भी आदिल का साया बना रहे। अब राखी के इन बातों से ये तो साफ हो गया है कि राखी की शादीशुदा जिंदगी में एक बार फिर से सब ठीक हो गया है और अब उम्मीद है कि उनकी लाइफ में सब ऐसे ही चलता रहे। हालांकि अभी वो अपनी माँ के गुजर जाने से काफी दुखी हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी माँ के लिए एक प्रेयर मीट रखी थी जिसमें रजा मुराद समेत कई पॉलिटिशियंस भी शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।